उर्वशी रौतेला क्यों पड़ी है ऋषभ पंत के पीछे? इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी क्यों डाल रही है प्यार भरे पोस्ट? मैं कोई सनसनी वाला रिपोर्टर नहीं हूँ, बट मिस मी आई बेट यू डिड। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द लेट नाइट कवरेज शो। आपको पुराने एपिसोड में मैंने उर्वशी ऋषभ के लफड़े के बारे में बताया था, तो अब ये कंट्रोवर्सी ले रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड, क्योंकि उर्वशी जी कर रही है कुछ ऐसे पोस्ट्स। फॉलोड माय हार्ट एंड इट लेड मी टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? और एक सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया में क्यों गई? ऑफकोर्स कंगारुओं के लिए तो नहीं गई होगी। ऑस्ट्रेलिया में वो गई क्योंकि ऋषभ पंत अभी अभी टीम इंडिया के साथ वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। लोग तो इंटरनेट पर यही बोल रहे हैं। देखो, आईसीसी से हम निवेदन करना चाहेंगे, जो पिच पे भाग के आते हैं अटेंशन के लिए, उनके साथ साथ जो ऑडियंस में अटेंशन के लिए बैठे होते हैं ना, उन पे भी ध्यान दीजिए। एक और पोस्ट उर्वशी जी का, कोई इतना बेदर्द कैसे बन जाए? किसी की तड़प पर किसी को तरस ही ना आए। ये वाली तो दिल को छू गई, दिल को छू गई। देखो ऋषभ भाई, मेरे को बुरा लग रहा है लड़की के लिए। मिस यूनिवर्स है वो, मिस यूनिवर्स, और आपके प्यार ने सीधा उसको निबीवर्स में डाल दिया। या किसी और के प्यार ने ना। देखिए ऋषभ भैया, हम सब चाहते हैं आप बैटिंग पर ध्यान दीजिए, ओके? उधर उधर दिनेश कार्तिक ने आपकी जगह ले ली है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा वर्ल्ड कप से। और एक बात समझ नहीं रही भाई, तड़पते तो हम भी है प्यार में, लेकिन तड़पते हुए हम इतने खूबसूरत नहीं दिखते। हम मेकअप करके तो नहीं तड़पते। एक और पोस्ट, कैसे भुला तू मौत, इंसानों को आती है यादों को नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये फोटो पे जरा जूम मारो, ये कमर के साथ साथ पर्दे भी अंदर की तरफ क्यों जा रहे हैं? हाँ देखो, हमें एडिटर रख लो, हम बढ़िया एडिटिंग करते हैं, वो भी सस्ते में कर देंगे। अब देखो, कोई मुझे बोले इस फोटो में से क्रिंज निकाल दो, तो हम ऐसे निकाल देंगे क्रिंज। मुझे तो लगता है ऋषभ पंत अभी एक ही गाना गाता होगा उर्वशी के लिए। खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। देखो दीदी, भगवान ना करे अगर ऋषभ पंत ने वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया, तो लिख के ले लो, सारा ब्लेम आप पे आएगा। इंडिया में अगर कोई हारे या कोई परफॉर्म ना करे, सीधा लड़कियों पे ब्लेम आता है। और आप तो वाइफ भी नहीं हो। देखो थोड़ा रीच बढ़ रहा है ये सब करके, बट डोंट डू इट, आप मिस यूनिवर्स हो, अच्छा नहीं लगता। अच्छा बात नहीं है। बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की ओर, चुम्मेश्वरी साउथ। चुम्मेश्वरी साउथ में आज न्यूज है केरला से। तो केरला में एक पुलिस वाले के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हो गई। यस, पिछले खबरेश में हमने देखा था कैसे पुलिस वाले पंखा चुरा रहे थे, तो ये पुलिस वाला चुरा रहा था 10 किलो आम। यस, भाई चल क्या रहा है साउथ में? मेरे को तो लग रहा है ये पूरा प्लान था, बोला होगा भाई तुम जाके पंखा चुरा के लाओ, तुम जाके आम चुरा के लाओ, बस पंखे की हवा में बैठकर आम खाएंगे। आहा, दोनों पकड़े गए। देखो भाई एक गलत बात है, मतलब अक्टूबर में आम कौन खाते है? वो भी 10 किलो? जी तो मुझसे भी बड़ा आम का प्रेमी निकला। माना आप आम आदमी हो, लेकिन ऐसे आम? माना भाई गर्मी होती है, लेकिन पंखे वगैरह कौन चुराता है यार? समझ रहा हूँ यार, पसीना होता है, फिर उससे दुर्गंध होती है, और दुर्गंध हुई तो बेइज्जती अलग होती है, मेरे को तो मालूम ही है। आपके साथ भी होता ही होगा, आपको पता नहीं है लेकिन होता होगा, आपको नहीं पता चलता, सामने वाले को पता चलता है जब बात आती है। ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट ज्ञान है। दुर्गंध कैसे होती है पता है? पसीने से नहीं, आपके अंडरआर्म्स में बैक्टीरिया होता है, और जब हम जिम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो स्वेटिंग होती है, तो वो स्वेट जब बैक्टीरिया से मिलता है तो पॉटी कर देता है, जिससे दुर्गंध पैदा होती है। तो इससे बचने के लिए ना, मैं कुछ टाइम से एक चुम्मेश्वरी डिओडोरेंट यूज कर रहा हूँ, एक्स का ड्यूअल एक्शन डिओडोरेंट। नाउ मार्केट के नॉर्मल डिओडोरेंट क्या करते मालूम? जो दुर्गंध होती है ना, उस पर खुशबू चिपका देते, जिससे बदबू छुप जाती है, लेकिन अगर वापस स्वेटिंग हुई तो वापस, और ना के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि स्वेटिंग तो होनी है वापस। अब सिर्फ एक्स के ड्यूअल एक्शन डिओडोरेंट में है जिंक टेक्नोलॉजी, ये बैक्टीरिया से फाइट करता है, उसको ग्रो करने से रोकता है, सो नो बदबू, एंड इसके साथ साथ एक लॉन्ग लास्टिंग खुशबू भी देता है, फ्रेग्रेंस देता है, इसलिए तो नाम ड्यूअल एक्शन है। ऐसी थोड़ी है, सीधा अंडरआर्म्स चेस्ट पर लगाओ और फिर पूरा दिन अच्छे स्मेल करो, चाहे डेट हो, चाहे ऑफिस में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, क्लब में जा रहे हो, जिम में जा रहे हो, कोई ऐसी जगह तो नहीं है ना जहां पे आप बोल सकते हो ठीक है मैं बास मारता हूं? नहीं ना, बदबू जाएगी तो कॉन्फिडेंस आएगी, समझा? एंड इसके काफी अच्छे वेरिएंट्स हैं, एंड मेरा पर्सनल फेवरेट है एक्स सिग्नेचर, इसमें 0% गैस है, एंड खुशबू तो बढ़िया ही है एकदम। लेकिन कवरेश भाई, हम ये डेट पे कैसे लेके जाए? उसके लिए अपन ये एक्स टिकट साथ में रखते हैं जेब में, किधर भी जाने का रहेगा फुसफुस कर लेने का फटाक से। भाई सिंपल बात है, एक्स लगाओ, बदबू भगाओ और फ्रेग्रेंस जगाओ। भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर लेना, इंपॉर्टेंट है, ओके?
तो बात करते हैं एमएस धोनी की। तो इसके मीम पर अनफिल्टर्ड चैनल पर रिएक्ट किया गया था, वही स्टोरी मैं कवर करना चाहूंगा अभी। तो कर्नाटका के मैसूर में एक वैक्स म्यूजियम में एमएस धोनी जी का वैक्स स्टैचू अनवील किया गया। यस, वैक्स स्टैचू का उद्घाटन किया गया। मैं आपको दिखा देता हूं वैक्स स्टैचू। एमएस धोनी किधर है? एमएस धोनी दिख नहीं रहे। अच्छा, ये तो शोएब अख्तर ने इंडिया की जर्सी पहनी है। धोनी कहां पर है? ये वैक्स म्यूजियम का नाम है चामुंडेश्वरी। देखिए जी, वैक्स म्यूजियम बिल्कुल भी चुम्बेश्वरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। खली है ये हमारे, ये रणवीर सिंह। हाँ, रणवीर सिंह को क्या हो गया? लियोनल मेसी नहीं, लायोनल मस्सा है। अजीत देवगन अगर सच में विमल खाता तो ऐसा दिखता। ऐसा लग रहा है वो रणबीर कपूर को तेरे नाम के सलमान खान वाली हेयर स्टाइल दी है और उन बालों पे थोड़ा छपरियों वाला कलर डाल दिया। धोनी धोनी किधर है भाई? ये तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का लुक लीक हुआ है। हा? बाजू वाला जो फोटो खींचा रहा वो ज्यादा धोनी लग रहा है। धोनी भैया केस कर देंगे भाई, डिफेमेशन मत करो हमारा। आजकल वैसे भी डिफेमेशन की धमकियां बहुत। और क्या अगली न्यूज आ रही हमारे मुंबई से। तो मुंबई में एक आदमी ने मनी हाइस्ट से इंस्पायर होकर एक हाइस्ट, छोटी मोटी हाइस्ट नहीं, मैं आपको बता दूं 34 करोड़ रुपए की हाइस्ट। यस, तो स्टोरी है कि ये बंदा था डोंबिवली का एंड ये एक बैंक का मैनेजर था। अब मैं इस पर डिबेट नहीं करूंगा कि डोंबिवली मुंबई में नहीं आता है, बट या तो बंदे ने अपने ही बैंक में 34 करोड़ रुपए चुरा लिए एंड ये चोरी का प्रिपरेशन वो पिछले एक साल से कर रहा था। उसने पूरे चार्ट्स बना लिए थे, उसने पूरा प्लान बना लिया था, उसने लूप होल्स निकाल लिए थे ये चोरी के लिए। बैंक मैनेजर ने देखी थी मनी हिस्ट और फिर अपनी ब्रांच से साफ कर दिए 34 करोड़ रुपए डोंबिवली के। यह जी डेडिकेशन, और एंड में भाई ने चोरी कर ही ली। बट देखो, मनी हाइस्ट एक स्क्रिप्टेड शो है, ओके? वहां पर थोड़ी कोई पकड़ा जाएगा। मूवीज में तो कुछ भी होता है, रावण को मॉडर्न कट दे देते, रावण चमगादड़ पे बैठ के आता है, कुछ भी होता है मूवीज में। लौंडा ये समझ नहीं पाया और 3 महीने में पकड़ा गया। एग्जिट प्लान फेल, क्या प्रोफेसर बनेगा रे तू? पर भाई डेडिकेशन देख रहे हो, एक साल भाई इस प्रकार डेडिकेटेड हो जाओ अपने गोल के लिए, भाई कामयाबी कदम चूमेगी। बढ़ते बढ़ते आप और हमारे फेवरेट सेगमेंट की ओर, यूपीएसओपी। यूपीएसओपी में आज न्यूज है यूपी के फिरोजाबाद की। तो यहाँ पर फिर से एक पुलिस वाले के अगेंस्ट कंप्लेंट हो गई, इनफैक्ट अरेस्ट ही कर लिया। बट फर्क यह है कि ये असली पुलिस वाला नहीं था ना, ये पुलिस के कपड़े पहन के पुलिस बनने की एक्टिंग कर रहा था। देखो इस पुलिस वाले को, काफी टाइम लग गया पता करने में कि ये फेक है। मेरे को तो झटके में मालूम पड़ गया यार, फिटनेस नाम की चीज होती है कि नहीं पुलिस में, ये क्या है? बाद में इसको धर लिया गया और पूछा गया कि भाई क्यों कर रहा है ये सब। भाई ने कुछ ऐसा बोला, इंस्पेक्टर कब भर्ती हुए थे तुम? नहीं हुए। फिर तुम वर्दी क्यों पहन के चलते थे? वर्दी पहन के नहीं जा रहा था। क्या करते हो, कार क्यों रखते थे इंस्पेक्टर का तुम? टोल टैक्स के लिए। टोल टैक्स बचाने के लिए? तुम्हें नहीं पता है कि क्या होती है इंस्पेक्टर वगैरह की पद वगैरह? तुम्हें नहीं पता कैसे भर्ती होते हैं पुलिस में? नहीं पता था। क्यों बन गए? टोल टैक्स बचाने के लिए, गाड़ी का टोल बचाने के लिए पुलिस वाला बन के घूम जाता, पुलिस लगा के गाड़ी में। भाई तू तो एक्सट्रीम चला गया एकदम टोल बचाने। हैं गोली बेटा, मस्ती नहीं। देखो फेक दरोगा जी, माना आपकी धोती खुल चुकी है लेकिन जो जिप खुली है ना, पहले उसको बंद करो, फेक पुलिस बाद में बनना। सही है यार, यूपी ओपी। यस, बढ़ते बढ़ते हमारे वेरी लव्ड सेगमेंट में, एक बिहारी सब पे भार। तो एक बिहारी सब पे भारी में न्यूज आ रही है बिहार के दरभंगा से। तो यहाँ की एक यूनिवर्सिटी के LLM कॉलेज में अप्लाई किया MS धोनी एंड नरेंद्र मोदी जी ने एग्जाम्स के लिए। यस, लॉयर बनेंगे MS धोनी और नरेंद्र मोदी जी। मजाक नहीं कर रहा, सची में एडमिट कार्ड भी बन गए। कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो एक्चुअली अब स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने बोला होगा कि भाई तुम्हारी फोटो भद्दी आती है कॉलेज में, तो एक टाइप से तुम अपनी खुद की एडिटेड फोटो अपलोड कर दो, चलेगा। अब जो बच्चे, इनको पता है कि हम तो पास होने नहीं वाले, हमको तो टाइम पास करना है 3 साल, उन्होंने धोनी मोदी और बाकी लोगों की फोटो अपलोड कर दी। और कॉलेज प्रशासन ने देखा भी नहीं, प्रिंट मार दिया एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पर छात्रों के बदले बड़े बड़े राजनेताओं और क्रिकेट स्टारों की तस्वीरें लगी थी। ये एडमिट कार्ड, सो यू हैड वन जॉब। देखो लोग बोल रहे हैं कि अभी रियल धोनी तो नहीं होगा, बट मेरे को लग रहा है रियल धोनी था। हाँ, रियल धोनी ने अप्लाई किया LLM में। रियल धोनी को बनना है लॉयर।
इसलिए क्योंकि जिसने वो पुतला बनाया था ना उस पर केस करना है धोनी को। ये यार बढ़ते बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में इंटरनेशनल छपरी। तो इंटरनेशनल छपरी में आज न्यूज है टाइम ट्रैवलर की। यस, ये टाइम ट्रैवलर फ्यूचर से आया है हमारी पृथ्वी पे। यस, 100-150 साल बाद से आया है भाई, ऐसा वो बोलता है। तो उसने कुछ चीजें प्रेडिक्ट किया है जो आने वाले टाइम में होने वाली है कुछ महीनों में। उसने प्रेडिक्ट किया कि 30 नवंबर को हमें एक पृथ्वी जैसा एक प्लैनेट मिलेगा हमारे यूनिवर्स में, जो हैबिटेबल है, जहां पर लोग रह सकते हैं। बट एक्चुअली मैंने ये पहले कवरेज वीडियो में कवर कर लिया था। क्या टाइम ट्रैवलर कवरेज भाई, तुमसे भी तेज है। फिर उसने बताया कि 8 दिसंबर को एलियंस हमारी पृथ्वी पर लैंड करेंगे एक मीटियोर में। Yes, ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है भाई। उसके बाद उसने बोला कि 6 फरवरी को पहली बार 4 युवकों को कुछ एंशियंट जगह मिलेगी, प्राचीन जगह मिलेगी, जहां पर कुछ ऐसे रहस्यों के जवाब मिलेंगे जिससे हमें हमारे यूनिवर्स और गैलेक्सी बारे में और मालूम पड़ेगा। भाई तू टाइम ट्रेवलर है मस्त। 15 तारीख को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तेरा टक्कर लेने वाला कोई मर्द आया। 25 तारीख को लोगों के मन से तेरा खौफ खत्म हो जाएगा। और 1 तारीख को तू फिनिश। क्या भाई, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। तो एक्चुअली इसने ये सारे वीडियोस टिकटॉक पर पोस्ट किए हैं, ये काफी वायरल हो गए टिकटॉक पर। टाइम ट्रैवल करके आया है, इधर टिकटॉक पे वीडियो डाल रहे और कुछ नहीं मिला तेरे को। टेंशन, यस आई एम अ रियल टाइम ट्रैवलर फ्रॉम द ईयर 2671। रिमेंबर दीस 5 डेट्स टू कम। टिकटॉक वीडियो डाल रहे हैं, तेरे को भी पता है कैसे लो एफर्ट में फेमस होते। देखो एलियन वगैरह मालूम नहीं, हमारे बच्चों को बता दो एग्जाम के लिए पढ़ना है या नहीं, एग्जाम कैंसिल हो गया नहीं इनको बता दो। और मेरे को तो पक्का मालूम, अगर एलियन आए भी ना तो साले अमेरिका में ही लैंड करेंगे, इंडिया में तो कोई आता नहीं। हाँ क्या रे जादू, भाव चढ़ गया तेरे को, आता नहीं और आएंगे भी नहीं भाई इंडिया में। इंडिया में आएंगे तो इंडिया के रोस्टर्स पहले एलियन को रोस्ट कर देंगे, बोलेंगे अरे भाई किधर आ गए। इंडिया में जैसे लैंड किया पहले क्रेडिट कार्ड वालों का फोन आएगा एलियंस को, फिर भाग जाएंगे। आई डोंट नो बट दिस स्मेल्स लाइक अ लाई। ओके, स्मेल करना है तो अच्छे स्मेल करो एक्स के साथ। ट्रस्ट मी, मैंने पहले भी बोला है, बहुत ही चुम्बेश्वरी रेंज है, बदबू हटाएगा एंड खुशबूदार बनाएगा आपको। भाई बदबू वाले लोग किसी को नहीं पसंद ना, मेरे को भी नहीं पसंद। जरूर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडेज़ एपिसोड ऑफ द लेट नाइट खबरें शो। इस ईमेल आईडी पे आप ऐसी कोई भी न्यूज सबमिट कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए एक्स लगाओ, बदबू भगाओ एंड फ्रेग्रेंस जगाओ।